नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गठबंधन के समय ऐसी शर्तें नहीं थी। जिन शर्तों के बारे में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने सिरसा में बताया, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में हिस्सेदारी के लिए जेजेपी ने समझौते के अनुसार 40 सीटें बहुजन समाज पार्टी को दी थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी किसी बसपा नेता ने इस प्रकार का बयान नहीं आया। उन्होंने कहा कि गठबंधन टूटने के बाद भी जेजेपी बहुजन समाज के लोगों के साथ में खड़ी है और उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। वहीं दिग्विजय ने बताया कि गठबंधन के बाद में कहीं बसपा पार्टी लगातार सीटें बढ़ाने को लेकर के दबाव बना रही थी। उन्होंने कहा कि बसपा द्वारा यह फैसला भाजपा के दबाव में लिया गया हो सकता है, क्योंकि बसपा के कई नेताओं ने ईडी और सीबीआई के केस चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी अकेले अपने दम पर सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिग्विजय ने जेजेपी के चुनाव के बारे में कहा कि प्रदेश में जेजेपी को अपार समर्थन मिल रहा है, वहीं बीजेपी की अहंकारी नीतियों के कारण उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में इसी तरह से जन समर्थन मिलता रहा तो जेजेपी ही अपनी सरकार बनाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आप देख रहे हैं पल-पल की विशेष। ये सब जब आपका कोई कसूर होता है तो सेविंग द फेस, आप पर जब लोग आपसे सवाल पूछते हैं तो आपको कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। जब कोई गठबंधन होता है तो ये कोई टर्म नहीं है। दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ये शब्द कहे गए थे ये बीएसपी के लोगों को बताना होगा। हमने बहुजन समाज के लोगों को राजनीति में बड़ी हिस्सेदारी मिले, इसके लिए बड़ा सेक्रीफाइस किया 50 सीटों, और जबकि बीएसपी को अन्य किसी अलायंस में इतनी सीटें नहीं मिल पाती, हमने उनको 40 सीटें दी। बहुजन समाज की राजनीति में हिस्सेदारी हो, बीजेपी हमारे साथ हो, बीएसपी हमारे साथ हो या ना हो, फिर भी हम उस हिस्सेदारी को अब भी कायम करेंगे। 90 सीटों में हम ज़्यादा सीटों पर बहुजन समाज के लोगों को हिस्सेदारी देंगे, जिससे विधानसभा में आने वाले समय में उनकी आवाज़ मजबूत हो पाए। बाबा साहब अंबेडकर का सपना और साहब कांशीराम का सपना, ये कुछ लोग चाहें या ना चाहें, हम हरियाणा में टूटने नहीं देंगे। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, अब ये तो वो जाने। हमारी तो एक सीधी कमिटमेंट हुई, वो कमिटमेंट था 50 सीटों पे हम लड़ेंगे, 40 सीटों पे आप लड़ो। सीटों के बंटवारे की बात हुई तो सीटें भी बांट ली गई थी, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। मैंने आपके सामने ये बात पहले भी कही है। अब उस दिन जब ये घटनाक्रम घटा तो इस बात मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, उन्होंने ये ऑफर दिया लखनऊ से कि इसको उल्टा कर दो, 50 हमें दे दो और 40 पे तुम आ जाओ। जब उनकी तरफ से ये ऑफर आया तो हमने पार्टी के अंदर गहन विचार इस पर किया। फिर भी दुष्यंत जी ने कहा कोई इक्का दुक्का सीट अगर ऊपर नीचे हो तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर उनकी तरफ से ये ऑफर आया कि ऐसे भी नहीं, जो हम पहले कहेंगे वो सीटें हमें दो, बची हुई सीटों पर आप लड़ो। इसका मतलब वो देवर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, वेल इन टाइम प्रिपेयर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, और क्योंकि ईडी और सीबीआई का बीएसपी के नेताओं पर बहुत वो है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये इस एंगल से भी मैं इसको देख करके देख सकता हूं। बाकी वो जाने, हमें इससे कोई खासा प्रभाव कोई फर्क ना तो पड़ेगा, हम अपनी लड़ाई को यूं ही जारी रखेंगे। दुष्यंत जी ने अगले दिन ही कह दिया ना झुकेंगे ना रुकेंगे, हम चौधरी देवीलाल के पथ पर यूं ही चलेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए जो टिप्पणी की, जेजेपी उसकी बड़ी कड़ी निंदा करती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, 36 बिरादरी और समस्त हरियाणा उन्हें ताकत देता आया है। उनका संघर्ष और उनकी जो मेहनत इस हरियाणा प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए है, उसको ये कल के सुरजेवाला मैच नहीं कर सकते। सुरजेवाला को उनकी हैसियत बताने का काम जो है जिनकी जनता ने बहुत बेहतरी से कर दिया, और अब भी कोई गलतफहमी है तो वो इस बार कैथल की जनता उनकी दूर कर देगी। सुरजेवाला षड्यंत्रकारी है, ये उनने इस बयान से साबित कर दिया कि चौटाला से तिहाड़ जाकर के पूछो कि सुरजेवाला कौन है। इसका मतलब तिहाड़ जाने के पीछे अजय सिंह जी के और चौटाला साहब के, हम तो पहले से कहते रहे कि उनकी सजा से पहले ही एनडीटीवी पे इसका बयान आ गया था। ये बड़ा षड्यंत्रकारी नेता है और निश्चित तौर पर
इस सुरजेवाला को, क्योंकि इसने बड़े करप्शन के केसों में इसके हाथ हैं और बड़ा श्रूड पॉलिटिशियन है, इसको हमने जीन में तो सबक सिखा दिया, सत्ता आने पर इसके सारे काले कारनामे, पुराना इसका सारा इतिहास, रोडवेज के घोटाले, वो सारे हम नकाब इसके खोलेंगे और इसके साथ जस्टिस होगा। और इसके साथ जस्टिस होगा, चौटाला साहब से तिहाड़ जेल में जाके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी ना किसी जेल में सुरजेवाला कहीं सलाखों के पीछे होगा, और सुरजेवाला जी तेरे से तो एक रात भी नहीं काटी जाएगी, तो इतना कमज़ोर और कॉरपोरेट कल्चर का आदमी है, दिल्ली में राहुल गांधी के एसी के कमरों में बैठ के राजनीति कर सकता है, चौटाला साहब और अजय सिंह की तरह तो संघर्ष नहीं कर सकता। तो इसलिए इस गलतफहमी को दूर करें और आज के बाद कोई बयान देने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचने की आवश्यकता है कि मैं किस व्यक्ति पर बयान दे रहा हूँ। हम नारनौंद हल्के में और उकलाणा हल्के में थे, जिस हिसाब का अपार जन समर्थन और लेट नाइट तक जो लोगों में जोश उत्साह, रात को 9-10 बजे तक भी हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और हमारे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग, जिस हिसाब से दुष्यंत को अपना नेता मानकर दुष्यंत को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो कैंडिडेट्स 7 लोगों की लिस्ट, और ये दोनों सीटें वो थी जिसपे 7 लोगों की लिस्ट में से नाम हैं, इस पहली लिस्ट को लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतना अच्छा कॉम्बिनेशन दुष्यंत जी ने हर तबके को साथ लेकर के उतारा है कि जितनी उसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम। और अगर ऐसे ही 90 उम्मीदवार उतार दिए तो निश्चित तौर पर युग पुरुष संघर्ष देवता चौधरी देवीलाल जी की सोच की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। किसान का मेरे का राज आने जा रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बीजेपी का अहंकारी शासन, और आप देख रहे हैं डे बाय डे कैसे बीजेपी कमज़ोर होती जा रही है, और उसके साथ साथ पैरेलली जेजेपी जो है उसका ग्राफ निरंतर उठता जा रहा है।